लाइट लाइट है है किसकी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक सबसे पहले तो माजरत के ब्लॉग में इतने दिन बाद अपलोड कर रही हूँ और दूसरा ये कि आज का ब्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और वजह ये कि लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था नेक्स्ट जब भी मैं कोई ब्लॉग अपलोड करूँगी या जितने आगे करूँगी सब में कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ एक ऐसी चीज, बात होगी जो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी सो so, आज के ब्लॉग में मैं दो चीज़ आप लोगों से डिस्कस करूँगी एक तो एक ड्रेस डिज़ाइनिंग समर के लिए ठीक है सिंपल सी बट बहुत एलिगेंट और जो दूसरा है वो है जी फेस पैक समर का मुल्तानी मिट्टी का बड़ा स्पेशल सा अच्छा सुबह उठ के नाश्ता कि यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय और साथ ही सब्जी ले ली थी मैंने आज अच्छा कोई भी चीज़ हमें चाहिए होती है ना तो पास ही मार्केट है हम लोग बस ना फटाफट जाते हैं और वहीं से ले आते हैं अमूमा तो अबा अब ले के आते हैं लेकिन आज हम हमने यहाँ वाली भी ट्राई की कि कैसी होती है वेजिटेबल्स ना आजकल चूंकि गुलाब का सीजन है तो जब भी मैं सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ ना तो माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत से गुलाब खिले होते हैं ना इन्हें देख के ना दिल खुश हो जाता है और जल्द ही ना मैं इन बहुत कमाल की एक रेमेडी प्लस रेसिपी शेयर करूँगी बाम की ना जो घर पे हम आसानी से बम बना सकते और जो बहुत अच्छा होता है ऐसा जिसके बाद अब आ गई मैं अपने काम शाम करने अच्छा कपड़े जो है ना काफ़ी देर के ना मैंने ये रखे हुए थे कि मैं वॉश करूँगी करूँगी के पड़े हुए थे लेकिन बस मेरी हड आरामी कभी मूड होता बस सारा दिन मैं काम करती रहती हूँ ना हो तो बस सारा सारा दिन ना मैं ऐसे ही गुजार देती हूँ फ़ोन यूज़ करते करते और बिला वजह बेड तोड़ते तोड़ते अच्छा यहाँ पर जी मैंने सारे कपड़े वॉश किए इतने ज़्यादा सारे उस साइड पर भी डाल रही है भी सारे मैंने मैंने अकेले ने वॉश किए अपने कपड़े मैं खुद ही वॉश करती हूँ बहुत कम ऐसा होता है कि मैं किसी से धुलवाऊँ और जनाब इसके बाद जब मैं नीचे आई तो ज़्यादा नहीं थे नहीं पले और वैसे भी बंदा जब काम कर रहा ना तब ज्यादा ही भूख लग रही होती है, वैसे तो मैं जब वेली होती है मुझे तब भी बहुत शुक्र अदा कियाड कि बना बनाया था जो मैंने खाया अचा जी सबसे पहले आ जाती अपने अब खास, खास जो हमारी रेमडी है आज की उसकी तरफ अच्छा जी मुल्तानी मिट्टी जो है ना गर्मी में कोई इतने इसके फायदे ना कि मैं आपको यहाँ पर गिनवाने बैठ जाऊँ ना तो वीडियो पूरी खत्म हो जाएगी इसके फायदे खत्म नहीं होगी होंगे सॉरी कहने को ये सिर्फ मुल्तानी मिट्टी ही है लेकिन इसके बेानतहा फ़ायदे अच्छा जी सबसे पहले बनाते हैं फ़ेस पैक बाकी चीज़ें मैं आपको इसकी बाद में बताऊंगी कि इसके कितने फ़ायदे हैं और कहां कहां ये हमें काम आ सकता है अच्छा जी एक चम्मच भर के हमने ले लेना है चावलों का आटा उसके साथ हमने ऐड करना है सेम क्वान्टी में जो हमारा मेन इन्ग्रीडियंट है इस फेस पैक का मुल्तानी मिट्टी ठीक है एलोवेरा जेल ले लेनी है आधा चम्मच और इसके साथ ऐड करना है अर गुलाब अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दो अगर आप एलोवेरा जल ले रहे हैं तो आपने हनी ऐड नहीं करना अगर हनी डाल रहे हो तो अर्घे गुलाब ने ऐड करें दोनों में से जो चीज़ आपके पास घर में अवेलेबल है आप वो यूज़ करें ठीक है दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं डालनी ठीक है एक बात तो ये होगी और दूसरा ये है कि जो एलोवेरा जेल है वो आपने ये वाली यूज़ करनी जो घर में वैसे प्लांट में लगी होती है वो यूज़ नहीं करनी वो ज़्यादातर बालों के लिए अच्छी होती है फेस के लिए वो अच्छी इतनी ज़्यादा नहीं होती वो कहीं ना कहीं कुछ स्किन पे एलर्जी करती है अच्छा जी इसका एक स्मूथ सा हमने इस तरह से मिक्स करके पेस्ट बना लेना है इस पेस्ट को हमने 10 मिनट लगाना है और जो मुल्तानी मिट्टी होती है ना वो फॉरन ड्राई होने लग जाता है जैसे ही ड्राई होने लगे थोड़ा टाइम फिर जो है ना आपने रोज वाटर को स्प्रे करके उसको रख के फिर हल्के हाथों से मसाज करके उतार लेना वॉश कर लेना ठंडे पानी से दैट्स इट अच्छा एक चीज़ तो ये होगी अब इसके फायदे मैं आपको जल्दी जल जल्दी बता देती हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी अच्छा जो सबसे पहला फ़ायदा है ना कि जो मुल्तानी मिट्टी है बेसिकली ये कूलिंग प्रॉपर्टीज़ रखती है तो आपकी स्किन को ठंडा रखती है अगर आपकी स्किन पर रेड कलर की कोई रेडनेस हो जाती है अक्सर गर्मियों में गर्मी की वजह से उसके लिए बहुत मुफीद है और इसके साथ साथ वाइटनिंग के लिए तो ऑफिसली बेस्ट है और इसके अलावा आप ऑर्गमेंटेशन के लिए और डार्क सर्कल्स के लिए बहुत अच्छी है मतलब बेनतहा फ़ायदे स्पेशली जब ये एड होती है विद एलोवेरा जेल हनी और चावलों का आटा यानी राइस फ्राट तो इसके जो है ना रिज़ल्ट वो दो गुना बढ़ जाते हैं अच्छा जी ये तो सारी बातें होगी मुल्तानी मिट्टी के रिलेटेड अब आते हैं चनाब ड्रेस की तरफ जो कि मैं आज आप लोगों को समर का इजी सा आसान सा बहुत डिसेंट एलिगेंट जो है ना डिज़ाइन समझाने वाली हूँ ये है जी कुर्ता मेरा थ्री पीस था बनंदा सतरंगी का अंदर पट्टी लगवा के किस तरह से बाजू है ज्वाइंट लेस के साथ ठीक है खुले बाजू होते कुर्ते के शॉर्ट कुर्ता है सो इसके भी खुले ही बाजू है अच्छा जी अब आते हैं नेक की तरफ के इसका गला मैंने किस तरह से बनवाया सिंपल वी शेप में इस तरह से गला है इसके अंदर भी पट्टी लगी हुई है सेम कपड़े की और इसके साथ ये मैंने इस तरह से सर्कल बनवा के एक बटन लगवाया अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर लगवा लें वो भी बेस्ट है और ये जी सिंपल सा नेक लाइन इसका सॉरी नेक होगी अच्छा नेक लाइन जो है ना इसकी बिल्कुल सिंपल थी सारी प्रिंट इस तरह का था कि मैं पहले सोच रही थी मैं पाइपिंग करवाऊँ फिर मैंने कहा नहीं इस तरह से ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा अच्छा जी ये सारी ड्रेस की मेरी यहाँ पे लुक हो होगी अब आते हैं घेरे की तरफ़ घेरे पे ना मैंने सेम बाज़ू की तरह जॉइंट लेस और उस पर पट्टी थी तो सेम यही काम पे भी मैंने करवाया है अच्छा जी इस तरह से ये बिल्कुल साथ ही घेरे के मैंने जॉइंट लाइन लगवा कर तो साइड पे जो कॉर्नर्स हैं जो चाक हैं उधर भी चाक छोटे छोटे से हैं तो यहाँ पे भी ये पट्टी लगवाई है मैंने ना तो इस तरह से ये मेरा कुर्ता हो गया जी मेरा बेटा ये क्या क्या है लाइट है किसकी की लाइट है भी की ही है दे दो थैंक यू अच्छा ये मेरे कुर्ते का सारा सिंपल सा स्टाइल जो मैंने आप लोगों को समझाती और गर्मी में इस तरह के कपड़े पहने या। इस तरह की स्टिचिंग जो है ना सिंपल सादा सी वो ज़्यादा खूबसूरत ज़्यादा एलिगेंट ज़्यादा प्यारी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है बन नस्बत मोती तारों लेसिस का आप काम करवा रहे लॉन होती है बेचारी पहले अपने आप से औकी ऊपर से सा साफ ऐसा काम करवा रहे तो वो तो फिर गई काम से अच्छी नहीं लगती ना मतलब वो सोबर ही नहीं लगता बंदा इस तरह के कपड़े पहन के अच्छा जी ये है जी पेंट सीक्रेट पेंट है स्ट्रेट सीक्रेट पेंट स्टिच करवाई मैंने साथ इसके कैपरी नहीं है सीक्रेट पेंट है कुर्ता है शॉर्ट वाला उसके साथ ये पेंट हो गई अच्छा इसके साथ दुपट्टे पे सिंपल सी मैंने बिल्कुल ये छोटी छोटी सी लेस लगवाई थी तारी वाली इतनी ये खूबसूरत लग रही थी ना इसके साथ ड्रेस जो कि सिंपल सा था प्रिंट था तो उसके ऊपर इस तरह की जो लेस होती है ना दुपट्टे पर वो ड्रेस को बहुत इन्हांस करती है पहना हुआ ऐसा ड्रेस बहुत एलिगेंट बहुत सोबर बहुत प्यारा लगता है क्योंकि बहुत से ड्रेसेस ऐसे होते हैं जो स्टिच होने के बाद ज़्यादा प्यारे लगते हैं और पहन के और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं तो ये जो मेरा ड्रेस है ना ये उनमें से एक है जो पहना हुआ बेहद हसीन लगता है बहुत तारीफें होगी ड्रेस की और ये प्रिंट है दो का और ये बैक साइड है जिस पर मैंने कोई काम नहीं करवाया ये कुर्ते की ना ये बिल्कुल सिंपल है और बस ये सारी डिटेलिंग होगी मेरे आज के ड्रेस की आगे भी मैं आपको ना मेरा दिल है कि मैं सारे कपड़ों का ना आपको स्टाइल जो है ना डिज़ाइन वो गर्मियों के समर आउटफिट्स के दिखा दूँ तो बस ये तो फिलहाल यहाँ पर डन हुआ और ये जी अब्बा के सारे कपड़े हैं जो अम्मा ने माया लगवा के यहाँ पे मेरे बेड पे फेंके हैं कि इन्हें सुबह तुमने सबको प्रेस करना है और प्रेसिंग से मेरी जान जाती है सो मैंने सुबह काम वाली को बुलवाया और वो ये सारे कपड़े प्रेस करेगी तो बस यहाँ पर मेरा काम डन हो गया मैंने शॉवर ले लिया बाकी भी दिन के जो काम थे जो टारगेट्स थे मेरे वो सारे ख़त्म हो चुके थे वो मैंने अचीव कर लिए थे यस, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जो छोटे छोटे काम होते हैं और उनको मैं तो अपनी तरह से टारगेट्स ही समझिए क्योंकि जिस दिन मैंने सोचा उस दिन मैं कर लूँ ना तो इससे बड़ी कोई गनीमत है ही नहीं भूख लग रही थी मैंने चप्पल कब सॉरी शामी कबाब गर्म किए साथ चाय पी और बस यहाँ शाम हो चुकी थी नमाज़ वग़ैरह पढ़ी और उसके बाद ही मौसम ख़राब होना शुरू हो गया मतलब ये तो पक्का है जिस दिन भी मैं कपड़े धो लूँ उसी दिन बारिश होनी होती है और मुझे इतनी कोफ़त होती है कि एक दफ़ा सारे कपड़े ऊपर फैलाओ और फिर कुछ गीले खुश कर ये सारे नीचे लेके आओ और नीचे दोबारा से फैलाओ ऊपर आई हूँ और सारे जी कपड़े ये देखिए सारे मेरे गिरे पड़े हैं ये देखिए ज़रा पता नहीं क्यों यार जिस दिन भी मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ उसी दिन बारिश लाजमी होनी ही होनी होती है ये मैं हूँ ये मेरा प्यारा जरनी है और ये खूबसूरत सा आसमान है और हम फूफी भतीजा यहाँ पर बैठ कर मस्त इंजॉय कर रहे हैं है ना जरनी अच्छा आज ना सुबह जो सब्ज़ी ली थी कद्दू शरीफ घर वो पके थे और कद्दू मैं इतने ज़्यादा मतलब नहीं खाती शौक से ना भिंडी वैसे मुझे गर्मी की सब्जियों में से पसंद है तो मैंने इनके ना ये बर्गर मंगवाए थे जो कि बहुत लजीज थे बहुत अच्छे थे कि ठंड के इनके ना तो मैं तो इनको टेन आउट ऑफ टेन देती हूँ स्पेशली इनका ये ग्रिल बर्गर बहुत यमी था तो बस आज का जो व्लॉग है वो यहाँ पर मैं कर रही हूँ एंड इन शाला विल ट्राई मै बेस्ट कि मैं रेगुलर व्लॉग के साथ जल्द हाज़िर हूँ अपना अपने पैरों का ख्याल रखिएगा और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा अल्लाफ़ ठीक के बाय बाय